सत्यता की। कहते हैं सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। हम जिस नैया पर बैठे हैं हमें संपूर्ण निश्चय है ये सत्यता की नाव है। सबसे पहले सत्यता की ज्ञान बाबा ने हम सबको यही दिया कि आप एक सत्य स्वरूप आत्मा हो। सत्य के दो अर्थ बाबा ने बताए हैं, एक सत्य अविनाशी को कहा जाता है, सत्य है अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अपने अविनाशी स्वरूप में आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना ही सत्यता है। और दूसरा सच्चाई अंदर और बाहर की, जो हम अंदर वही बाहर, ऐसे नहीं अंदर का रूप एक है बाहर का रूप दूसरा है। अगर हम सत्यता की अथॉरिटी बन जाए तो कहते हैं सच को कभी आँच नहीं आ सकती, सच तो बिठो नच। अगर सच्चे हो तो बैठ के डांस करो खुशी में, कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। सत्य को कभी भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब अपने इस फाउंडेशन पर ध्यान दें कि हम सत्य मार्ग के राही हैं, हम झूठ का सहारा क्यों लें। अगर हम अपने आप में स्थित हैं, तीन बातें हमारी सत्यता को खत्म कर रही हैं, अंडरलाइन कर लेना। सबसे पहले है देह भान, अभिमान अलग है भान अलग है। नेचुरल आत्मा इस शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते इस भान में आ गए कि मैं ही शरीर हूं। और बाबा ने शुरू से यही पाठ पक्का कराया, आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। जैसे देह भान, देह भान पक्का हो गया है, ऐसे आत्म भान पक्का हो जाए। चलते फिरते अभ्यास हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं और मैं इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूं, कर्मेंद्रिय जीत हूं। तो जितना देह भान टूटता जाएगा, आत्म अभिमानी स्टेज बनती जाएगी, उतना देह भान के बाद अभिमान समाप्त हो जाएगा। अभिमान आ गया ना, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस कुल का हूँ। व्यक्ति को अपना अभिमान कितना है, देह के कारण, देह की जाति का अभिमान है, देह की पद पोजीशन का अभिमान है, देह की पढ़ाई लिखाई का अभिमान है, जो पढ़ा लिखा है उसका अभिमान आ गया, धन दौलत है उसका अभिमान आ गया, और अभिमान ने अहंकार का रूप ले लिया। देह भान से अभिमान शुरू हुआ और अभिमान के बाद देह अहंकार आ गया कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, ये तो कुछ भी नहीं समझते हैं। ये अभिमान, ये हम सबको इस अंतिम स्थिति में परिपक्व स्थिति बनाने के लिए इन तीनों को कहते हैं, देह अहंकार को मारो, इतना निर्माण चित बन जाओ, अहंकार का अंश भी न रहे, निर्माणता का कवच पहन लो। अपने आप कई विकार भाग जाएंगे, छुट्टी ले लेंगे, क्योंकि सभी विकारों का जन्मदाता देह अभिमान और देह अहंकार है। जब देह अहंकार टूटता है, देह अहंकार बड़े रूप में आ जाता है, तो उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरी बात को इन्होंने क्यों नहीं माना, मैंने जो कहा मैं राइट हूँ ये लोग नहीं समझते हैं, फिर उसको सिद्ध करते हैं और उनको जोश आता है, गुस्सा आता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बहुत निर्माण चित्त बनो, आत्म अभिमानी सत्य स्वरूप में स्थित रह करके देहभान देह अभिमान और देह अहंकार को अगर जीत लोगे तो आपकी स्थिति बहुत नम्रचित निर्माणचित निर्मोही बन जाएगी। क्योंकि अंतिम पेपर में बहुत थोड़े समय में पेपर आएगा, बाबा कहता है मैं पेपर भी आउट करता हूँ, समय भी आउट करता हूँ, फिर भी पास तो आठ ही होते हैं, इतना बड़ा पेपर है। समझ जाओ कि एक सेकंड का पेपर, जब अंतिम श्वास निकल रही है उस समय एक बाबा की याद आए, कोई भी देहधारी याद ना आए, कहीं पर भी बुद्धि न जाए। नहीं तो कहते हैं, कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति ने सुना था कि कलयुग के अंत में राम नाम लेने से नाम के आधार से पार हो जाएंगे। तो उसने समझा नाम तो बच्चों का ही याद आता है, अंत समय में सामने वही होते हैं। तो उसने बड़े युक्ति से अपने एक बच्चे का नाम राम रख लिया, एक बच्चे का नाम मोहन रख लिया, एक का नाम कृष्ण रख लिया।
तीन बच्चे हुए, तीनों के नाम उसने भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर रख लिए। कि जब राम नाम लेने से, नाम से ही पार हो जाते हैं तो या तो कृष्ण याद आएगा, या मोहन याद आएगा, या राम याद आएगा। जब ये बच्चे तीनों बड़े हुए और उस व्यक्ति के शरीर छोड़ने का टाइम आया, लेटा हुआ था, लेटे लेटे कहता है, राम कहाँ है? क्योंकि उसको ये था कि भगवान की याद में शरीर छूटना चाहिए। तो राम भी सामने बोला, बाबूजी मैं भी आपके सामने हूँ। फिर मोहन कहाँ है? तो भी सामने आ गया, कहता मैं भी बाबूजी यहीं पर हूँ। कृष्ण कहाँ है? तो भी सामने आ गया, मैं भी आपके सामने। अब तीनों को देखा और उसको फट से गुस्सा में आता है, कहता है जब तुम तीनों यहाँ खड़े हो तो दुकान में कौन है? और दुकान में कौन है कहते उसके प्राण निकल गए। याद क्या आया? तीनों सामने हैं और फिर भी याद तो दुकान ही आई। क्यों? जिस तरफ हमारा बहुत काल का टेंशन रहा है, अंत में वही याद आएगा। भले भगवान भी आपके सामने आ जाए, वो याद नहीं आएगा। इसलिए हम सबको बाबा कहते हैं, बच्चे एवर रेडी रहो। लेकिन एवर रेडी के साथ साथ ये भी कहते हैं, बहुत काल से अभ्यास करो, बहुत काल से एक वृत्ता बन करके रहो, एक बाबा दूसरा न कोई। जब देह और देह के संबंधों से पहले से सबसे बुद्धि योग टूटा हुआ होगा, तब उस सेकंड के पेपर में बाबा सामने आएगा और अंत मति सोगति। इसलिए अंत समय में किसकी याद आएगी, उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल से प्रभु प्रीति चाहिए, तभी प्रभु की याद आएगी। नहीं तो कहीं ना कहीं देह में, संबंधों में, धन दौलत में, जहां पर कुछ छिपाया होगा वहां पर, या कोई संस्कार में, खाने पीने की आदतों में, जिसके वशीभूत हम बहुत समय तक रहे हैं, अंत समय में वो सामने आ जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना। बाबा कहता है बहुत काल से ऐसी परिपक्व स्थिति बनाओ कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई।